नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे स्कूल का इनडेप्थ एनालिसिस करेंगे जो कि इंडिया का वन ऑफ द टॉप बोर्डिंग स्कूल्स माना जाता है, दून स्कूल देहरादून। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है एक ब्रोकरेज फर्म की, और ब्रोकरेज फर्म्स आपसे ब्रोकरेज फी चार्ज करती है जब भी आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं। पर जीरोधा से अगर आप एक डीमैट अकाउंट खुलवाकर शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जीरो ब्रोकरेज पे करनी होगी, यानी एकदम फ्री। और अगर आप इन्वेस्टिंग में एक बिगिनर हैं तो आपको 7 इन्वेस्टिंग कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे जीरोधा की तरफ से, अगर आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करके अपना डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं। चलिए जरा बेसिक डिटेल्स देखें इस स्कूल की। इसकी ओनरशिप प्राइवेट है। ये 1935 में एस्टेब्लिश हुआ था और यहाँ पे बोर्डिंग फैसिलिटी है, और इसका देहरादून के सिटी सेंटर से 3.3 किलोमीटर का डिस्टेंस है। चलिए इसके स्कूल बोर्ड और क्लासेस की बात करें। यहाँ पे 7th to 12th पढ़ाई होती है, और इसके बाद एंट्री लेवल क्लासेस है 7th और 8th, जिनको डी फॉर्म और सी फॉर्म कहा जाता है। 10th तक आपको IGCSE बोर्ड का एग्जाम देना होता है, और उसके बाद आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन है इंटरनेशनल बैकलॉरेट यानी कि IB, और सेकेंड ऑप्शन है इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट ISC। चलिए आगे बढ़ते हैं एकेडमिक रिकॉर्ड की तरफ। 65% स्टूडेंट्स ने 90% या अबव एवरेज मार्क्स सिक्योर किए हैं ICSE बोर्ड में। 42% स्टूडेंट्स ने 90% या अबव एवरेज मार्क्स सिक्योर किए हैं ISC बोर्ड में, और 70% स्टूडेंट्स अभी तक अपने डिजायर्ड इंस्टीट्यूशन से ऑफर ले चुके हैं। अब एडमिशन टेस्ट की बात करते हैं। एडमिशन टेस्ट में इंग्लिश, मैथमेटिक्स और रीजनिंग और केस स्टडी आता है। इसका हिंदी का टेस्ट नहीं होता। हिंदी प्लेसमेंट टेस्ट आपके अराइवल पे ही होगा, जब आप टेस्ट देके सेलेक्ट हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे टेस्ट में ये नहीं देखा जाता कि आप कितना रट के कितना पढ़ के दे सकते हैं, यह देखा जाता है कि आपकी थिंकिंग कितनी क्लियर है, आप कितना क्रिएटिवली काम करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, और आप अपने नॉलेज को नई नई सिचुएशंस में अप्लाई कैसे कर सकते हैं। लेकिन अब स्कूल सैंपल टेस्ट पेपर्स और पास टेस्ट पेपर्स प्रोवाइड नहीं करता एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए। इनके एल्यूमिनाई नेटवर्क की बात करें, बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन और काफी सारे वेल नोन पर्सनैलिटीज इस स्कूल से पास आउट हुई है, जैसे कि राजीव गांधी, राहुल गांधी, विक्रम सेठ काफी बड़े ऑथर हैं जिन्होंने सेक्रेट गेम्स नाम की एक बहुत बड़ी किताब लिखी है। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इनका कैंपस 72 acres में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको एक जिम भी है, फिटनेस रूम भी है, स्क्वाश कोर्ट्स हैं, स्पोर्ट्स पवेलियन है, मल्टीपर्पज हॉल भी है, बॉक्सिंग और बैडमिंटन के लिए भी फैसिलिटीज हैं, 25 meter का पूल है, और बहुत सारे पिचेस हैं, नेट फैसिलिटीज हैं, और नया बास्केटबॉल कोर्ट और टेनिस कोर्ट भी बना है फ्लड लाइट्स के साथ। आप गोल्फ भी खेल सकते हैं यहाँ पे, बैडमिंटन, सर्किट वेट्स, डांस, ट्रैम्पोलिन और वॉलीबॉल, योगा और बॉक्सिंग भी काफी सारे ऑप्शन हैं आपके पास। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इस स्कूल का बहुत बड़ा पार्ट है। यहाँ पे जो स्कूल मैगजीन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पब्लिश होती है। यहाँ पे टोटल 23 क्लब्स हैं जो पॉलिटिक्स, ड्रामा, फोटोग्राफी, एरो मॉडलिंग और स्कल्पचर, रोबोटिक्स जैसी बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करती है। एमेच्योर रेडियो भी यहाँ पे काफ़ी इंक्लूडेड है और बहुत ज़्यादा प्रमोटेड है। इसके बाद जूनियर इंग्लिश डिबेटिंग सोसाइटीज़ हैं, फिर मॉडल यूनाइटेड नेशंस है, चेस, एस्ट्रोनॉमी का भी काफ़ी अच्छा स्कोप है इनके क्लब्स में। अब ज़रा बात करते हैं फीस की। फीस इंडियन रेजिडेंट्स के लिए है 10,25,000 एक साल की। इंसिडेंटल एक्सपेंसेस 25,000 हैं, और रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट है 4,00,000 का, जो कि सिर्फ आपको एडमिशन के टाइम देना होता है, और वन टाइम एडमिशन फी है 4,00,000। अब बात करते हैं NRIs की फीस की। इनकी टोटल फीस होती है 12,81,000, एडमिशन फी होती है 6,40,500, और उसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है 6,40,500, और एडवांस फॉर इंसिडेंटल्स होता है 50,000 हर टर्म के लिए। अब बात करते हैं स्कॉलरशिप की। जो भी प्रोस्पेक्टिव पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, उनका बहुत अच्छे से फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाता है, इवन जॉइंट फैमिली का फाइनेंशियल बैकग्राउंड देखा जाता है, ताकि यह सर्टेन किया जाए कि इनको फाइनेंशियल सपोर्ट की एक्चुअली ज़रूरत है। अब फाइनेंशियल एड में बहुत कम आपको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिल सकता है, और 100% प्लस स्कॉलरशिप भी मिल सकता है। इसके लिए आपके लिए काफ़ी सारे सीरीज ऑफ टेस्ट होते हैं और बहुत सारे बैकग्राउंड चेक्स होते हैं, जो कि दून स्कूल की मैनेजिंग कमेटी कंडक्ट करती है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, और अगर आपको कोई और इंस्टीट्यूशन कवर करवाना हो हमसे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।